माँ क्या हुआ पापा को? तुम्हारे पापा बहुत ऊंचाई से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोटें आई हैं, उन्हें ऑपरेशन की सख्त जरूरत है और इस समय हॉस्पिटल में कोई सर्जन भी नहीं है। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं जाके देखता हूँ। अब तो तुम्हारा ख्याल रखा। कुछ नहीं होगा आंटी, एकदम ठीक हो जाएगा आंटी, टेंशन मत कीजिए आंटी। सर अगर आपने अब भी अपना फैसला नहीं बदला तो एक और पेशेंट की जान चले जाएगी और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सर प्लीज प्लीज सर, शशांक को ऑपरेट करने की इजाजत दीजिए। अंदर मीटिंग चल रही है। सर आप क्या सोच रहे हैं? अरे छोड़ो सर, आप प्लीज आप मेरी बात क्यों समझते सर? ये हो क्या रहा है यहाँ? एक आदमी वहां जख्मी पड़ा हुआ है और आप लोग यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हैं। बेटे किसी को ऑफिस में आने से पहले तुरंत परमिशन ले। देखिए सर, इस वक्त मुझे आपके कायदे कानून की कोई परवाह नहीं। वो जो वहां जख्मी पड़ा है वो मेरा पिता है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि एक घंटा हो गया उन्हें यहाँ लाए, अब तक उनका इलाज क्यों शुरू नहीं हुआ? आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, किस बात का? देखिए आपके पिता को फर्स्ट एड दी जा चुकी है, अब उनको सर्जरी की जरूरत है। वो तो मुझे उस डॉक्टर ने भी बताया, फिर अब देर किस बात की है? उनके ऑपरेशन के लिए सर्जन को कॉल किया है, बस वो आता ही होगा। आप कहना चाहते कि इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई सर्जन नहीं है? डॉक्टर शशांक गुप्ता, MSFRCS, स्पेशलिस्ट इन ट्रॉमा केसेस। हाँ, फिर आप इलाज शुरू क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर शशांक की सर्जरी नहीं कर सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमारे जो नेताजी हैं, जो बाहर लोगों को भड़का रहे हैं, उन्होंने इन पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया, और जब तक इस झूठे इल्जाम से ये बरी ना हो ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। चाहे एक पेशेंट सर्जरी के इंतजार में अपना दम तोड़ दे। वेल, ये मेमो तो यही कहता है। डॉक्टर शशांक, एक कागज के टुकड़े की वजह से आप अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। मेरे पिताजी के लिए एक एक पल काफी कीमती है, शायद आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद भी आप यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे। देखो बेटा, देखिए डॉक्टर, इस वक्त मैं इनसे पूछ रहा हूं और जवाब भी यही देंगे अभी इसी वक्त। डॉक्टर शशांक, आपको अभी इसी वक्त मेरे पिताजी का ऑपरेशन करना होगा। एक कागज का टुकड़ा आपको अपने फर्ज से ज्यादा प्यारा नहीं हो सकता। प्लीज सर, प्लीज। हेलो, हाँ एक मिनट होल्ड करो। बेटे आपके पिताजी की सर्जरी शुरू हो गई है, आप ओटी के बाहर इंतजार कीजिए। हाँ ओमी, क्या पेशेंट सीरियस है? ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। क्या हुआ सर? ओटी से ओमी का फोन था। वो कह रहा है कि पैंसन को एक सीनियर सर्जन की जरूरत है, पेशेंट की हालत अच्छी नहीं है। तो सर आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? प्लीज प्लीज अपना ऑर्डर चेंज करिए सर, कम ऑन। नहीं जहीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अरे सर क्यों नहीं कर सकते? आपको आपके हाथों में सर। जहीर, हॉस्पिटल के कायदे कानून भी कुछ होते हैं। सर मैं क्या समझूं सर, एक एक पेशेंट की जान जाने वाली है, आप समझिए ना। जहीर मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता हूं। डॉक्टर आनंद, मैं सर्जरी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ओटी में तो जा सकता हूं सर। मैं सर्जरी नहीं, क्या बोला डीन ने? सर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। सिस्टम रिट्रैक्टर को ठीक से पकड़ लिया। रिलैक्स डॉक्टर पैंसे, दो मेजर आर्टरीज ब्लीड कर रही हैं, छह रिब्स फ्रैक्चर है, स्कल में भी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ओह नोप। डॉक्टर वाधवा को आने में देर लगेगी, किसी सीनियर सर्जन को बुला लो, ये ऑपरेशन मैं अकेले नहीं कर सकता। सर आपको तो पता है ना। आई डोंट केयर,
इस वक्त जो पेशेंट की हालत है उसे संभालने के लिए आई नीड अ सीनियर। ओफो, अगर डॉक्टर शशांक नहीं है तो किसी दूसरे सीनियर सर्जन को कॉल करो इमीडिएटली एंड मेक दैट श्योर एंड मेक इट फास्ट। अगर कुछ देर और हुई तो हम पेशेंट को खो भी सकते हैं। डॉक्टर पेंसे, थैंक यू वेरी मच सर। सर प्लीज, रिब्स में मल्टीपल फ्रैक्चर की वजह से चेस्ट में बहुत ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टर पेंसे, मैं सर्जरी तो नहीं करूंगा लेकिन अगर आपको जरूरत होगी मैं आपको गाइड करूंगा। बट सर आई नीड योर हेल्प राइट अवे। डॉक्टर पेंसे प्लीज। कागज पर लिख दिया कि डॉक्टर शशांक ऑपरेशन नहीं करेगा, पर ये हमें कबूल नहीं है। ये हमें उल्लू बनाने के लिए है। कल यही डॉक्टर किसी पैसे वाले के लिए किसी गरीब को मरने के लिए छोड़ देगा। आज बशीरन खाला मरी है, कल आपका कोई सगा वाला मरेगा। अरे यहाँ सच्चा लड़का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। के पास वक्त है। मैं जानता हूं कि आप मजबूर हैं लेकिन इस वक्त सर मैं ज्यादा मजबूर हूं। आई एम सॉरी लेकिन मैं ये सर्जरी करूंगा। मिस्टर ग्लव्स, इस हॉस्पिटल के डीन की हैसियत से ना सही लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से आई एम प्राउड ऑफ शशांक। मुझे शशांक पर गर्व है। मैंने कहा था ना इस अस्पताल को पैसों से प्यार है, जिसके लिए आज वो ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन करवा रहे हैं जो एक खून का दोषी है। वही डॉक्टर शशांक आज इस अस्पताल में एक ऑपरेशन कर रहा है। क्या हम ऐसा होने देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कागज पर लिखा हुआ ऑर्डर आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था, पर ये हमें कबूल नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमें उल्लू बनाने के लिए है। इन लोगों को हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इन लोगों को हमें बताना होगा कि ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे। शीरन खाला अमर रहे, शीरन खाला अमर रहे। बहुत हो गया, जरा गियर चेंज कर। सुना मैंने साहब, जिंदाबाद। साहब जिंदाबाद। सुना मैंने साहब, जिंदाबाद। सुना मैंने, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो। एक मिनट, नागने साहब को बहुत फिक्र है गरीबों की, बहुत नरम दिल के आदमी हैं। अगर शायद ये ना होते तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि अस्पताल में क्या क्या होता है। सुना मैंने, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप प्लीज चुप रहिए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आप चुप रहिए। ये जो कर रहे हैं वो समाज सेवा नहीं, राजनीति है। आप लोगों की भावनाओं से खेलने की राजनीति।
कल रात को डॉक्टर शशांक के साथ ऑपरेशन थिएटर में मैं भी था। जब फोन आया तो डॉक्टर शशांक ने मुझे बशीरन बी को देखने के लिए भेजा। दूसरा पेशेंट भी बहुत सीरियस था और डॉक्टर शशांक उसे छोड़ नहीं सकते थे। जब तक मैं बशीरन बी तक पहुंचा तो उनकी दिल की धड़कन रुक चुकी थी और मैंने सब कुछ किया उन्हें बचाने के लिए। तू बच्चा, कोई और डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? सामने साहब, मैं मानता हूं मैं यहां पे इंटर्न हूं, पर मैंने भी अपने इम्तिहान पास किए हैं। एक मरते हुए पेशेंट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे अच्छी तरह मालूम। ये जो अमीर गरीब का रोना आप रो रहे हैं, तो शायद आपको ये नहीं मालूम कल रात जिस पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा था वो कौन था। अरे बाबा, वो उनका एक लौता बेटा था जिनको मौत के मुंह से डॉक्टर शशांक ने बचाया, और इस वक्त जिस पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है वो। वो इनके पिता हैं और वो एक मामूली सी मिल में काम करते हैं, और ना ये अमीर है और ना संजीवनी को उनसे कुछ पैसे मिलने वाले। सुनामने साहब, अगर आपको गरीबों की इतनी फिक्र है तो इनका बिल और इनके बेटे को एक नौकरी दिलवा दीजिए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से अखबारों में आपकी फोटो नहीं छपेगी और आपको इन लोगों का वोट नहीं मिलेगा। और डॉक्टर शशांक ने मुझे बचाने के लिए जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली वो उनका बड़प्पन था। ना उनने कोई लापरवाही की, ना किसी अमीर पेशेंट के लिए किसी गरीब पेशेंट को छोड़ दिया। उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी मत समझिए। नावने साहब, आज आपने हमारे हॉस्पिटल पे कीचड़ उछाली, और उसकी क्या वजह थी आप लोग भी जानते हैं। अब आप ही लोग फैसला करेंगे संजीवनी या डॉक्टर शशांक दोषी हैं या नहीं। इसने आके सारा खेल बिगाड़ दिया। अब बात को आगे मत बढ़ने दीजिए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बराबर बोल रहा है, लेकिन सबके सामने हम सब कुछ कैसे छोड़ें? कुछ तो करना पड़ेगा ना। चल देखता हूँ। देखिए, हमें बहुत दुख है कि बशीरन खाला अब नहीं रही। हम चाहे जो भी कर ले वो वापस तो नहीं आएगी, लेकिन जो आंदोलन हमने आज छेड़ा है वो चेतावनी है उन सब के लिए कि गरीबों को कमजोर नहीं समझने का। गरीब बहुत शक्तिशाली होता है, और ऐसे सभी लोगों को ये ध्यान रहे कि जब जब गरीब का आंसू टपकेगा हमारी पार्टी उन आंसुओं को एक सैलाब बना देगी। तालियां, तालियां। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपको ये रिपोर्ट दिखानी थी। क्या रिपोर्ट है? डॉक्टर क्या देख रहे हैं? क्या बात बढ़ गया है? माननीय नेताजी और आप सभी लोग सुने, ये बशीरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इसमें जांच करने वाले डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि बशीरन की मौत किसी ऑपरेशन में लापरवाही या ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं हुई। उसकी मौत हुई है हार्ट अटैक से। दोस्तों, मैं शशांक हूं, डॉक्टर शशांक। बशीरन भी मेरी पेशेंट थी। उनकी देहांत का हम सबको अफसोस है, लेकिन मैं सिर्फ अफसोस करने नहीं आया हूं, कुछ और भी कहना चाहता हूं। जो शोर शराबा सोनावाने साहब ने किया वाकई में काबिले तारीफ। शोर शराबे से ये आप सबको बशीरन भी के यतीम बच्चों के बारे में बताना चाह रहे थे। सही कह रहा हूं ना मैं सब? आगे बढ़ूं? हाँ। जैसे आप देख रहे हैं इनके चेहरे पे काफी शर्मिंदगी नजर आ रही है, और आनी भी चाहिए क्योंकि इन्होंने आपके जज्बात के साथ खेला। काफी साल पहले इन्होंने बशीरन भी को वादा किया था कि उनके यतीम बच्चों के लिए वो एक घर बनाएंगे, जो वो बशीरन भी के जीते जी पूरा नहीं कर सके।
इसलिए इन्होंने ये फैसला किया है कि एक हफ्ते के अंदर वो बशीरन बी के यतीम बच्चों के लिए घर बनाए। इन्होंने ये भी फैसला किया है कि बशीरन बी के यतीम बच्चों की पढ़ाई, उनकी देखरेख की खर्चा, ये सब सोनावाना साहब ही उठाएंगे। यही इरादा है ना आपका? सामने साहब थोड़ा ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। नाबने साहब की, 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 नाबने साहब की। चल निकल लो जल्दी, नहीं तो और बहुत कुछ करना पड़ेगा। चल राहुल, थैंक यू वेरी मच राहुल। किस बात की? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं वही काम करता हूं जो मेरा दिल चाहता है, राइट? और हां, मेरी यहां आने की एक और वजह थी। जिस तरह तुमने घर पे आके प्लीज कहा, उस प्लीज पे मेरा दिल आ गया। की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।